बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी फार्म से या अपना ट्रैक्टर से इनकम टैक्स और सेल टैक्स डिडक्ट करके किस तरह FBR के थ्रू FBR की वेबसाइट पे जाके हम चलान बनाएंगे और इसको बैंक में जमा कराएंगे। सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम डालेंगे, फिर उसमें पासवर्ड डालेंगे, फिर साइन इन होंगे। फॉरगेट पासवर्ड, ये पासवर्ड सही लॉगिन हो गए ना? ये हम लॉगिन हो गए हैं। अब इस पे स्किप डिस्क करेंगे तो इससे आगे चला जाएगा पेज। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। इस पेज पे हम ई पेमेंट पे जाएंगे। ई पेमेंट पे जाके हम क्रिएट पेमेंट करेंगे। क्रिएट पेमेंट की ऑप्शन के आगे जाएंगे, फिर हम इनकम टैक्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर ये आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो गया है आपके सामने। इस पे अभी हम इसका कौन सा साल है उसको सिलेक्ट करेंगे, 2022। इसके बाद आप सिलेक्ट टैक्स पेमेंट नेचर को क्लिक करेंगे। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं। इसके बाद सबसे विदहेल्ड इनकम टैक्स फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज वाला क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया, आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो रहा है। आपके सामने फिर इस तरह आ जाएगा पेज। इसमें सिलेक्ट मंथ करेंगे, इसमें सिलेक्ट मंथ जनवरी आ जाएगा। फिर आप अटैच फाइल करेंगे, फिर आपके सामने ये प्राल का पेज ओपन हो रहा है। आपके पास फिर ये ऑप्शन आ गई है, ये वाला पेज ओपन हो गया है। इसमें से डाउनलोड सैंपल करेंगे। ये नीचे डाउनलोड हो गया है पेज, इनका जो सैंपल है इसको किस फोल्डर में शो इन फोल्डर करेंगे। ये सैंपल जो आपने डाउनलोड किया है वो इस तरह आ जाएगा। अब इसमें आप जो आपने टैक्स डिडक्ट किया है किसी भी फॉर्म से, आप उसमें इस तरह वन बाय वन डालते जाएंगे। अगर एक है तो एक डालेंगे, एक से ज़्यादा हैं तो फिर उन सबको इस तरह उन्होंने सैंपल दिया है, सेक्शन कोड, टैक्स पेयर, NTNC, NIC, नेम, सिटी, जोन जो भी है उसकी, टैक्स पेयर स्टेटस क्या है वो भी डालेंगे। ये आपको हम फिल करके एक दफ़ा फिर बताएंगे। अच्छा, ये आपको बताते चलें कि ये सिर्फ लर्निंग के लिए वीडियो बना रहे हैं हम, और उसमें आपको एक किसी फार्म का यहाँ से हम एबटाबाद से इसको आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये देख लें, सबसे पहले हमने सेक्शन कोड डाला है। इस फॉर्मेट पे एक्सेल की शीट है, इस पे हम सबसे पहले सेक्शन कोड लिखेंगे। कोई परचेज़ चीज़ की है उस पे टैक्स लगा है, टैक्स डिडक्शन हुई है 4.5%। फिर हमने NTN नंबर डाला है फार्म का। अगर NTN नंबर नहीं है फार्म का तो फिर यहाँ से हम उनकी एक डमी दी हुई है FBR ने, वो डमी डालेंगे। और अगर डमी भी नहीं है, NTN भी नहीं है, CNIC है तो CNIC डालेंगे। फिर कंपनी का नेम डालेंगे, कौन सा सिटी है वो डालेंगे, टैक्स पेयर एड्रेस डालेंगे, फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड है क्या है वो डालेंगे। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन दी होती हैं फॉर्म्स वाली जगह, इंडिविजुअल है, बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस है, कंपनी है। कंपनी पे 4% इनकम टैक्स लगता है। और आगे सप्लायर आ गया, सप्लायर है या कंट्रैक्टर है। कंट्रैक्टर का मतलब है कि उसने कोई कंट्रैक्ट लेके M&R के बिल किए हैं या कुछ भी, फिर हम इधर कंट्रैक्टर लिख देंगे। और कितनी अमाउंट पे टैक्स लगा है टोटल, ये है 4.5% उसका बनता है आगे 3,150 रुपये। ये हमने सब चीज़ें डाल ली हैं।
अब हम इस फाइल को अटैच करेंगे। आप फिर इस पेज पे आ गए, इस इधर से चूज़ फाइल करेंगे। हमने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाके ई पेमेंट वाला फोल्डर क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे। ये फाइल अटैच हो रही है, इसको अब इम्पोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ आ गया है कि योर फाइल हैज़ बीन अटैच सक्सेसफुली। इस जगह पे जाके फिर बैक के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ये बैक के ऑप्शन पे गए, नीचे आ गया है, फिर आपके सामने वो वाला पेज खुल गया जहाँ पर अटैच फाइल लिखा हुआ था। इधर पेज को स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आएंगे। अब इस पेज के सबसे नीचे आप आ गए, यहाँ पर लिखा हुआ है मोड पार्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पर मोड है, मोड का ऑप्शन है। हम चेक के थ्रू चलान बना रहे हैं, ये चेक को क्लिक करेंगे, अमाउंट डालेंगे। चेक की कितनी अमाउंट है जो डिडक्ट की है, 3,150 रुपया लिखेंगे यहाँ पर। आगे चेक नंबर लिखेंगे। सर, हमने चेक नंबर डाल दिया, अभी डेट डालेंगे। अच्छा, डेट इस तरह डालेंगे कि इसमें स्लैश आए, आप स्पेस नहीं देंगे इस डेट को, या मंथ इस तरह लिखेंगे। हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, आज डेट है जी 14/January/2022। फिर बैंक सेलेक्ट करेंगे डेट लिख के, कौन सा बैंक है। चलान हमेशा नेशनल बैंक के थ्रू ही जमा होते हैं, ये वाले FBR के। अभी तक इन्होंने इसमें मुख्तलिफ बैंक्स के नाम तो आए हैं, लेकिन अभी तक FBR के जो नुमाइंदे हैं सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही बैठते हैं। बैंक सेलेक्ट किया, ये उसको अटैच कर रहा है। अभी यहाँ पर सिटी करेंगे, जो भी सिटी होगी। हम एबटाबाद से वीडियो बना रहे हैं तो ये हम एबटाबाद डालेंगे, एबटाबाद से ही टैक्स पे कर रहे हैं। अभी ब्रांच डालेंगे इसमें, एबटाबाद में कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच एबटाबाद आएगी इसमें। ये सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं उसमें। अब क्रिएट पेमेंट को वाली जगह को क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिक किया। टैक्स ईयर का ऑप्शन दे रहा है कि टैक्स ईयर हमने नहीं डाला हुआ, हम टैक्स ईयर डालेंगे। अभी टॉप पे जाके ओके करेंगे। ये सबसे ऊपर सिलेक्ट ईयर है, ये 2022 डाल लिया हमने, ये डाल लिया। नीचे फिर आएंगे, फिर अभी क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्रिएट पेमेंट क्लिक किया। अब ये नीचे एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ये सारी लाइन का मकसद यही है कि हम फिर नीचे कंफर्म का बटन है, हमने एंट्रीज ठीक डाली हैं इसलिए कंफर्म का बटन क्लिक कर देंगे। कंफर्म का बटन क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाके हम प्रिंट का बटन को क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह ऑप्शन आएगी और आपके सामने PDF की फ़ाइल इस तरह खुद ही डाउनलोड हो जाएगी। इसको शो इन फोल्डर करेंगे, डबल क्लिक किया, यहाँ पर थी ये, फिर आपके सामने PDF का ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये सब चलान आपका तैयार हो गया है। ये PSID है, इसके साथ नीचे साइन करवा के आप अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इधर नीचे स्क्रॉल करके ये साइन का ऑप्शन है, यहाँ पर साइन करके इसके साथ चेक अटैच करके आप जो भी बैंक है, हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन ब्रांच में किया, तो वहाँ पर हम चेक के साथ इसको अटैच करके जमा करवा देंगे। फिर आपको ये जब जमा करवाएंगे, FPR का जो नुमाइंदा वहाँ पर बैठा होगा वो आपको इस PSID के अगेंस्ट एक CPR दे देगा। इस तरह आपने अपना काम
मुकम्मल कर दी है, कोई भी अदारा है या कोई भी फार्म है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी है, वो अपना टैक्स कंट्रैक्टर से डिडक्ट करके इस तरह जमा करवा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉज़ हैं, जो टैक्स डिडक्शन करते हैं और टैक्स को इस चलान के थ्रू जमा करवा सकते हैं। बहुत खैर, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें। ये वीडियो बनाने में और का मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग का है। इसका कोई भी चीज़ आपको कमी बेशी हो तो हमें नीचे कमेंट्स में बता दें, हम नई वीडियो फिर आपके लिए बना के एक और डाल देंगे।